भाई फिलहाल तो ठीक ही है। हाँ गुड मॉर्निंग सर। भाई क्लास शुरू करें। तो सर आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। रनिंग सर आ रही है। चलो, कल क्वालिटी कंट्रोल टूल्स की हम बात कर रहे थे। तो अपने पास ये 14 बेसिक टूल्स हैं जो किसी भी फूड इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल में काम आते हैं। पहला है इंग्रेडिएंट स्पेसिफिकेशन, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। सेकंड, अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट। तीसरा है प्रोडक्ट फार्मूला, परसेंटेज वाइज है या आपका बैच वाइज है। फिर प्रोडक्ट्स जो भी आप बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट है, उनके स्टैंडर्ड्स या उनके स्पेसिफिकेशंस। अब वो दोनों ही होने चाहिए आपके पास, कि कंपनी स्टैंडर्ड्स और साथ में आपके रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, दोनों को ही फॉलो करना है। पहले रेगुलेटरी और फिर कंपनी के लिए आपने कोई स्पेसिफिक बना रखे हैं तो वो अलग। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर क्या है, उसका फ्लो डायग्राम। फिर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आइडेंटिफिकेशन, जो आपके एसएप में भी काम आती है, और सैंपलिंग प्रोग्राम, कब लेंगे सैंपल, कितना लेंगे, कहाँ कहाँ से लेंगे, उसके बेसिस पे क्या इन्फ्रेंस निकालनी है। फिर एनालिसिस जो भी आपको करना है, जब भी आपकी प्रोसेसिंग चल रही है तो आपका रॉ मटेरियल का प्रोसेस, सप्लाई चेन, एंड प्रोडक्ट और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, इसका रिकॉर्ड कैसे तैयार करना, उसके लिए कौन से फॉर्म्स होंगे, फॉर्मेट्स होंगे, और ये फॉर्म फॉर्मेट्स फाइनल साइन होने के लिए किस किस के पास जाएंगे, क्या हायरार्की रहेगी, पैकेजिंग जो मटेरियल है या पैकेजिंग जो आपके यूटेंसिल्स हैं या पैकेजिंग बॉक्सेस हैं, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन रहेगी साइज के हिसाब से और मटेरियल के हिसाब से, कैसा मटेरियल है उसके लिए, कैसा पैकेजिंग मटेरियल, आपका जो एंड प्रोडक्ट है या जो आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से ही आपका पैकेजिंग जो मटेरियल है, प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी, तो ये तीनों चारों तरह के एक के ऊपर एक जो पैकेजिंग मटेरियल लगते हैं। जैसे आपने कुरकुरे को पैक किया तो उसका जो पॉली पैक है FFS मशीन किससे जो निकल के आता है, वो फिर आगे वो कार्टन्स में पैक होगा, कार्टन्स को ये और आगे कंटेनर में पैक होंगे, तो ये सारा उसके अंदर आएगा। फिर लेबल जो उसके ऊपर लगाया है उसकी स्पेसिफिकेशन, हाइजीन सैनिटेशन से रिलेटेड जितना भी है वो GMP में भी आता है, GHP में भी आता है, और साथ में आपका अलग से भी प्लांट का जो क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग प्रोग्राम है, कहाँ कहाँ क्लीन करना है, कितनी कितनी देर में करना है, और यानी कि कुछ भी मन में आया आपने कर दिया, इसके पीछे साइंटिफिक बेसिस होते हैं कि भाई आप 1 घंटे बाद क्यों क्लीन कर रहे हो, कि उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे मटेरियल गिर रहा है, वो ज्यादा देर गिरा रहेगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो कितनी देर में, और ये भी ना कि बहुत फ्रीक्वेंटली कि खाम खामे आप अपनी लेबर कॉस्ट बढ़ाते रहो, तो वो सारी स्टडीज देख के उसके बेस पे ये क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग प्रोग्राम बनते हैं। फिर आपकी जितने भी GMP रिक्वायरमेंट्स और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी रिकॉल प्रोग्राम आपका, अगर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ जाती है, कमी आ जाती है, तो इसके ऊपर सारा जितना भी ये टूल्स हैं, ये सारे जो भी आपके अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, ये सभी रिटर्न में होंगे, और जो भी कंसर्न पर्सन होंगे उनको टाइम टू टाइम इस पे ट्रेन किया जाएगा। फिर आपका वेयर हाउसिंग का, रॉ मटेरियल वेयर हाउसिंग, फिनिश गुड वेयर हाउसिंग, फिनिश प्रोडक्ट आपका बन गया है तो उसकी फिर शिपिंग, कहाँ भेजोगे, कैसे भेजोगे, रॉ मटेरियल आपको रिसीव करना है या कोई रिकॉल्ड प्रोडक्ट आपको रिसीव करना है, कहाँ रखोगे, ये सब कुछ। और लास्ट आपका है लेबोरेटरी एनालिसिस, कि लैब के अंदर कौन कौन से एनालिसिस कैसे करने हैं, कैसे GLP जो आपकी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो करना है। अब जो हमारा टॉपिक आता है इसमें इंग्रेडिएंट स्पेसिफिकेशन, अपने को पता है कि एंड प्रोडक्ट आपका तभी बढ़िया बनेगा जब आपके जो रॉ मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। तो कहते हैं ना, जैसा गुड डालोगे वैसा ही मीठा होगा,
तो सबसे बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी इंग्रेडिएंट स्पेसिफिकेशन बनाने का है वो है सप्लायर। सप्लायर से मांगो कि आपके जो इंग्रेडिएंट जो आप भेजोगे, चाहे आप कुछ भी भेज रहे हो, चाहे मैदा, बेसन, नमक, मिर्च, उसकी स्पेसिफिकेशन दो, वो किस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होंगे। उस इंफॉर्मेशन को देखो और उसमें आपको लगता है कि कुछ चीजों को चेंज करने की जरूरत है तो आप उन स्पेसिफिकेशंस को मॉडिफाई कर लो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कई बार कुछ स्पेसिफिकेशंस आपकी ऐसी हैं जिसका आपको आपके सप्लायर के साथ नेगोशिएशन करनी पड़ती है। मान लो वो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा दे रहा है, आपको कम चाहिए, तो उसको कहना पड़ता है कि भाई इतने मॉइस्चर कंटेंट इतने ज्यादा से मेरे को स्टोरेज में दिक्कत आएगी, या मेरी रेसिपी में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो इससे कम होना चाहिए, तो वो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए नेगोशिएट करना पड़ता है। और आपको जैसी स्पेसिफिकेशन आपके प्रोडक्ट के लिए चाहिए, आपकी प्रोसेस के लिए चाहिए, आप अपने सप्लायर से वो डिमांड कर सकते हो। हो सकता है उसके लिए वो कुछ उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़े, कुछ प्रीमियम कॉस्ट आपको देनी पड़े, बट वो लॉन्ग रन में आपके, क्योंकि स्पेसिफिकेशन आपकी प्रोसेस आपके प्रोडक्ट के हिसाब से है, तो इट विल बी एडवांटेजियस टू यू। तो जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन आपने बनाई है अपने रॉ मटेरियल्स की, वो आपको डॉक्यूमेंट करनी है, यानी लिखना है। जबानी कुछ भी नहीं चलता इंडस्ट्री में। जो भी चीज मान लो आपके ऑफिसर ने भी आपको कोई कमांड दी है कि ये करना है, ऐसे करना है, तो आपको अपने स्टेशन पे जाके या आपको अपने रिकॉर्ड के अंदर जो भी उसने जबानी कही है आपके सुपीरियर ने, सीनियर ने, वो आपको राइटिंग के फॉर्म में पुट करना। इंग्रेडिएंट स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट का नाम, जैसे अभी आगे हम देखेंगे, या पीछे भी हमने देखा कोई भी नाम है, जैसे ब्लैक पेपर है, ग्राउंड ब्लैक पेपर है, पिसी हुई है काली मिर्च, तो पूरा। अगर रेड चिल्ली है तो रेड चिल्ली भी आपको सिंपल रेड चिल्ली नहीं लिखनी, रेड चिल्ली अगर पाउडर्ड फॉर्म में है तो पाउडर्ड फॉर्म में लिखनी है। तो जो वो प्रोडक्ट है उसका सही सही नाम, फिर उसका कोई भी आप जो इंटरनल कोड नंबर देते हो, और ये जो कोड नंबर होगा ना, ये हर एक इंग्रेडिएंट का स्पेसिफिक होगा। अब रेड चिल्ली अगर होल है तो उसका अलग, WHOLE होल, बड़ी पूरी की पूरी मिर्च है लाल सूखी हुई, तो ड्राइड रेड चिल्ली होल ये लिखोगे। अगर पाउडर है तो पाउडर, और इन दोनों के कोड नंबर अलग होंगे। ये हमेशा ध्यान रखना कि ये जो कोड नंबर हैं ये स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट होते हैं, जो इंग्रेडिएंट है। कब आपने ये स्पेसिफिकेशन तैयार किया, कब से ये लागू हुई है, वो डेट डालोगे। बेसिक डिस्क्रिप्शन डालोगे इंग्रेडिएंट्स का कि क्या चीज है ये। अब अगर मान लो ये ड्राइड रेड चिल्ली पाउडर है तो ड्राइड रेड चिल्ली पाउडर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस दिस प्लांट, तो उसके बारे में जो भी आपके पास रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन है वो डालोगे। कोई भी अलग से आपने कैटेगरी बनाई हुई है, जैसे स्पाइसेस की अलग से कैटेगरी बनाई हुई है, तो स्पाइसेस की कैटेगरी में डालोगे। कहीं आप दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिस तरह स्वीटनर्स की कैटेगरी में आपके शुगर भी हैं और लिक्विड ग्लूकोज भी है, पाउडर्ड ग्लूकोज भी है, तो वो सारे आप, अगर कोई आपने कैटेगरी डिफाइन की हुई है तो वो आप लिखोगे। क्रिटिकल, मेजर, माइनर, ये वो बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने पीछे किया था ना टोमेटो वाला, कि इसमें क्रिटिकली यानी ये चीज होना बहुत जरूरी है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। और माइनर एट्रीब्यूट्स सेंसरी टाइप के, लेकिन जो मेजर एट्रीब्यूट्स हैं उसमें, जैसे हमने कलर, साइज, कलर और डैमेज और हार्डनेस वगैरह लिया था, ये मेजर एट्रीब्यूट्स थे। साइज शेप कोई इसमें मैटर ही नहीं करते थे। फ्लेवर वगैरह जो है वो माइनर एट्रीब्यूट्स में आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो भी एट्रीब्यूट्स इसमें लिखने लायक हैं वो आप लिखोगे, और हर एक एट्रीब्यूट का एक्शन
कि उसके ऊपर आपको कब एक्सेप्ट करना है, कब तक आप एक्सेप्ट करते रहोगे और रिजेक्ट उसको कब करोगे, और लास्ट में इंग्रेडिएंट स्टेटमेंट कि ये क्या इंग्रेडिएंट है, कहाँ काम आएगा, कैसे काम आएगा, इसका पूरा ब्यौरा इसके अंदर। जब आपने स्पेसिफिकेशन बना ली तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए ये आपका एक टूल बन गया कि क्वालिटी कंट्रोल में इसका भी इस्तेमाल होगा। इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा वेग नहीं लिखनी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लिखनी, सिंपल होनी चाहिए, लेकिन उससे पूरी जानकारी मिल जानी चाहिए। फिगर टू की बजाय ये टेबल सिक्स होना चाहिए। टेबल नंबर सिक्स, नीचे हमने एक इंग्रेडिएंट स्क्रीन अच्छे से नहीं आ रही रखी है। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या सर? स्क्रीन अच्छे से नहीं आ रही। स्क्रीन अच्छे से नहीं आ रही तो भाई ये थोड़ा बहुत उसका फर्क मिलेगा अपनी स्पीड का, जो बता रहा हूँ एक बार सुन लो। इसकी वीडियो में डालूंगा तो उसमें स्क्रीन क्लियर आएगी, क्योंकि वो मेरे लोकल पीसी पे रिकॉर्ड हो रही है और उसको एज इट इज अपलोड करूंगा मैं, तो जहां थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो देख लेना। अदरवाइज ये जितने भी पेज है ना ये तुम्हारे नोट्स के अंदर हैं सारे, तो पैरेलली तुम क्या कर सकते हो कि मेरी आवाज सुन सुन मैं जो इसमें दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ तुम अपने नोट्स में भी उसको पैरेलली खोल के देख सकते हो अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे। मोबाइल पे अगर देख रहे हो तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोबाइल की पहले स्क्रीन छोटी होती है। आगे सर, आगे स्क्रीन तो सर प्रॉपर ही आ रही है, बट आपकी वॉइस और थोड़ी आपकी पिक्चर वीडियो वो थोड़ी रुक रुक के दिख रही है, बस बाकी स्क्रीन तो ठीक है। चलो कहीं लिखा हुआ तो प्रॉपर दिख ही रहा है सर, प्रॉब्लम है। जैसा भी है एक बार क्लास अटेंड कर लो, और फिर कहीं कंफ्यूजन रहता है उसके लिए आप एक बार वीडियो देख लेना, रिवीजन भी हो जाएगा आपको और थोड़ा सा क्लियर भी हो जाएगा। इसमें जो जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है टेबल सिक्स में वो बड़ी सिंपल है और इंफॉर्मेटिव है, जितनी इंफॉर्मेशन अपने को देनी चाहिए उतनी है। टू द पॉइंट क्रिटिकल स्पेसिफिकेशन दी हुई है, जो भी अपने लिए जरूरी है, पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरी है। इसके अंदर आप अपने जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, लीगल स्पेसिफिकेशन या रेगुलेटरी स्पेसिफिकेशन वो भी इंक्लूड करते हैं, और साथ में आपकी जो कंपनी वाइड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है वो भी इंक्लूड करते हो, जैसे होलसमनेस वगैरह है। इसके अंदर एक बार हम देख लेते हैं ये क्या चीज है टेबल सिक्स। इसके अंदर एग्जांपल दिया है अपना ग्राउंड ब्लैक पेपर, पिसी हुई काली मिर्च, कोड नंबर A-001, एडिटिव्स ए से ले लिया मान लो, तो पहला एडिटिव ये है। अब ये जो कोड नंबर है A-001, अगर आपके पास अनग्राउंड या होल ब्लैक पेपर है वो उसको नहीं दोगे, ये सिर्फ ग्राउंड ब्लैक पेपर को दोगे। तो इवन इंग्रेडिएंट ब्लैक पेपर है लेकिन अगर वो ग्राउंड स्टेट में है, पिसा हुआ है, तो उसके लिए अलग होगा, बिना पिसे हुए के लिए अलग होगा, ये ध्यान रखना भाई। इसके बाद प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, क्या है ये प्रोडक्ट, ये ग्राउंड ब्लैक पेपर है, ये ड्राइड इमेच्योर बेरीज ऑफ पाइपर नाइग्रम जो प्लांट है उसकी बेरीज हैं, ड्राइड हैं, इमेच्योर हैं, और कलर जो इसका है वो लाइट ग्रे से ब्लैक ग्रे तक हो सकता है, स्पेक्ल्ड ब्लैक ग्रे। जो भी डेट है आप डेट डाल दोगे जिस दिन आप ये स्पेसिफिकेशन बना रहे हो और उसको लागू कर रहे हो। इसमें क्रिटिकल, मेजर, माइनर तीन स्पेसिफिकेशन है, और हर एक के आगे एक्शन लेवल है और रिजेक्ट लेवल है। तो क्रिटिकल स्पेसिफिकेशन जो है वो साल्मोनेला और इकोलाई है, एक्शन लेवल इसका कोई नहीं है। अगर ये अभी साल्मोनेला के लिए भी क्या पहले तो
दीवार अनम्यूटेड है। हम जो क्रिटिकल स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे थे भाई, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि साल्मोनेला और इकोलाई आपके क्रिटिकल हैं, इनको क्लियर किए बिना तो किसी हालत में काम नहीं चल सकता, रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके अगर पॉजिटिव आ जाते हैं, साल्मोनेला का टेस्ट और इकोलाई का टेस्ट, तो आप रिजेक्ट कर दोगे, लॉट चाहे कितना बड़ा हो, कैसा ही क्यों ना हो। मेजर स्पेसिफिकेशन जो ग्रेनुलेशन है, दाने कितने मोटे हैं, अगर यूएस 35 नंबर की जो जाली है उसके ऊपर 4.5% तक दाने ग्रेन्यूल्स बचे रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये 5% से ऊपर हो जाते हैं तो आप रिजेक्ट कर दोगे लॉट को कि इसमें जो दाने हैं वो मोटे हैं, पिसा हुआ ढंग से नहीं है। ऐसे ही वोलेटाइल ऑयल है, जो ये वोलेटाइल ऑयल होता है, एसेंशियल ऑयल होता है, ये हमारे लिए या जो काली मिर्च है इसकी फ्लेवर के लिए बहुत जरूरी होता है, तो ये 2.5% होना चाहिए, लेकिन अगर वो लेस देन 2% हो जाता है तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। मॉइस्चर 11.5% तक मांगते हैं, लेकिन अगर वो किसी भी हालत में 12% से ऊपर हो जाएगा तो रिजेक्ट कर दोगे। कलर लाइट ग्रे टू ब्लैक ग्रे, इसमें ऑफ व्हाइट टू अगर लाइट ग्रे है, यानी बहुत लाइट कलर है, तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। ईस्ट एंड मोल्ड काउंट वो लेस देन 100 होनी चाहिए पर ग्राम, अगर मोर देन 100 हो जाए तो रिजेक्ट कर दोगे। माइनर स्पेसिफिकेशन इसमें कोई भी नहीं है, और इंग्रेडिएंट स्टेटमेंट कि ये क्या चीज है, ये ग्राउंड ब्लैक पेपर है। तो अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट, पहला आपका काम हो गया इंग्रेडिएंट स्पेसिफिकेशन, अब आप जो सेकंड काम शुरू करोगे, ये लिस्ट में क्यों नहीं दिखा रहा इसको, इससे पहले क्या था, 3 क्यों दिखा रहा है इसको, 2 क्यों नहीं दिखा रहा, थोड़ा सा इसके साथ के साथ ठीक भी करते चलते रहे। ये आपका एडिंग 2 हो जाएगा। तो इसमें अपना पहला इंग्रेडिएंट स्पेसिफिकेशन हो गया, सेकंड इज योर अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट। जब आपने स्पेसिफिकेशन तैयार कर ली, और वो स्पेसिफिकेशन तैयार करने के लिए सबसे जो आसान रास्ता है कि आप आपका जो सप्लायर है उसी से मांगो कि भाई तेरे जो प्रोडक्ट है वो किस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होंगे। तो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड तो यही रहता है कि कमर्शियली जो चीज जैसी आपको अवेलेबल है आप उसके बेसिस पे ही आपने आगे जो प्रोडक्ट है वो तैयार करो, क्योंकि आपके लिए जितनी भी आप कस्टम स्पेसिफिकेशन तैयार करवाओगे ना, यानी जितने चेंज करवाओगे उसके अंदर स्पेसिफिकेशन में, उतना ही आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए आपने आमतौर पर देखा होगा कि जितने भी कमर्शियल प्रोडक्ट हैं उन सभी की हर एक कंपनी की कमोबेश एक जैसी सी स्पेसिफिकेशन होती है। जैसे इसमें मान लो एसेंशियल ऑयल है, या इसमें जो ऑयल कंटेंट है ब्लैक पेपर में, वो सारे के सारे यही बताते पाएंगे कि मिनिमम 2.5% मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम 2.5%, की वो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो जाता है। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के क्या फायदे हैं कि वो आपको कंपेयर करना भी आसान हो जाता है अलग अलग सप्लायर्स का, और साथ में आप उसको क्वालिटी के हिसाब से भी और कॉस्ट के हिसाब से भी कंपेयर इजीली कर सकते हो। तो इसलिए अपनी जो आपकी रेसिपी है, रेसिपी के अंदर भी जो कमर्शियली अवेलेबल, मेजरली अवेलेबल जो इंग्रेडिएंट स्पेसिफिकेशंस हैं, आप उन्हीं का इस्तेमाल करो। बेस्ट प्रैक्टिस तो यही रहती है मैन्युफैक्चरिंग में। अब जो सप्लायर लिस्ट आपको बनानी है, आपके अप्रूव्ड सप्लायर कौन कौन होंगे, वो किन बेसिस पे बनानी है, तो हर एक इंग्रेडिएंट की अपनी एक सप्लायर लिस्ट होगी, ये ध्यान रखना। हो सकता है एक आपका कोई ऐसा सप्लायर हो जो अधिकतर इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर हो, वो आपका मेजर सप्लायर हो सकता है जो सारी तरह के इंग्रेडिएंट सप्लाई करता है, या कुछ आपके सप्लायर हैं जैसे आप एडिटिव्स मान लो किसी सप्लायर से लेते हैं तो उससे आप
स्वीटनर्स भी ले सकते हैं उससे आप, फिलर्स भी ले सकते हैं उससे आप, डिफरेंट सिरप्स भी ले सकते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जैसे आपका मैदा है, मैदा वो सप्लाई नहीं करेगा, बीच बीच में नेटवर्क से आउट हो जाता हूं मैं। समस्याएं हैं लेकिन समस्याओं के साथ अपने को काम तो करना है। तो हम अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट की बात कर रहे थे और हर एक इंग्रेडिएंट के लिए आपको एक ही सप्लायर के ऊपर डिपेंड नहीं करना। हाँ, उसकी प्रायोरिटी बना लो कि मेरा एक नंबर पे ये सप्लायर है, अगर ये नहीं देगा तो ये नहीं देगा तो ये। तो इस तरह से जितनी भी आपकी बढ़िया और आपकी इलैबोरेटेड लिस्ट हो उतना बेटर है, ताकि कहीं से भी आपको अगर समस्या आए किसी भी सप्लायर से तो आप उसको रिप्लेस कर सको। तो बेहतर यही रहता है कि तीन सप्लायर हर इंग्रेडिएंट के हिसाब से आपके पास होने चाहिए। तो ये आपका मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, या बीच में आपका ब्रोकर भी हो सकता है, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है इंग्रेडिएंट्स के लिए। जो मैं बात कर रहा था, जैसे कि इंग्रेडिएंट सप्लायर जो है, मान लो एडिटिव्स का आपका एक अलग सप्लायर हो सकता है, शुगर के लिए आपका कोई दूसरा सप्लायर हो सकता है, और मैदा के लिए या आटा के लिए आपके और दूसरे सप्लायर हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स के लिए अलग अलग सप्लायर हो सकते हैं, या ग्रुप ऑफ या कैटेगरी ऑफ इंग्रेडिएंट्स के लिए आपके अलग अलग सप्लायर हो सकते हैं। तो इनकी अलग से लिस्ट बना के रखो कि हर इंग्रेडिएंट के लिए कौन सा सप्लायर है और कौन सा सप्लायर क्या क्या चीजें दे रहा है। तो इसके मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन है, तो अगर मान लो कोई ब्रोकर है बीच में तो आप उसको ब्रोकर के तौर पर आइडेंटिफाई करो, अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी अगर आपको अल्टरनेट इंग्रेडिएंट डालना है, मान लो आप शुगर की बजाय सुक्रोज की बजाय आप उसको रिप्लेस किसी और सोर्स से करना चाहते हो, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से करना चाहते हो, तो दो ये मेन क्वेश्चन है कि जो ये नया इंग्रेडिएंट मैं डाल रहा हूँ क्या मेरी ये स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है, और दूसरा ये जो इंग्रेडिएंट मैंने नया डाला है क्या जैसा पहले वाला इंग्रेडिएंट मेरे को इफेक्ट दे रहा था मेरे प्रोडक्ट में, या जैसा मैं चाहता हूँ वैसा इफेक्ट मेरे को अपने फिनिश प्रोडक्ट में या अपने प्रोडक्ट में मिलेगा या नहीं। तो इन दो क्वेश्चंस के आंसर जब अगर आपके यस हो जाएं तब आप इसको अल्टरनेट इंग्रेडिएंट सोर्स के अंदर डाल दो। बाय चांस एक की कमी हो जाए, चीनी की कमी हो जाए, तो आप उसकी जगह HFCS का यूज कर सको, लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान में रखना। अधिकतर हो सकता है आपको सिर्फ एक ही सप्लायर मिले किसी स्पेशल इंग्रेडिएंट का, उस केस में आप लेते रहो लेकिन साथ में तलाश करते रहो दूसरे सप्लायर को। क्योंकि इंडस्ट्री, अगर मान लो एक सप्लायर ने वो इंग्रेडिएंट देना बंद कर दिया और आपके पास कोई सेकेंडरी सप्लायर नहीं है, कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं है, तो उस एक इंग्रेडिएंट के कारण आपकी प्रोडक्शन ठप हो जाएगी। और ऐसा कभी भी नहीं करना, आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हमेशा रहनी चाहिए। तीन लेवल तक के तो आपके पास अल्टरनेट हमेशा होने चाहिए। और अगर आपको कोई मान लो चीनी है और चीनी के ऊपर सरकार ने कोई ऐसी बंदिश लगा दी कि इंडस्ट्री को नहीं दी जाएगी, हो सकता है ना, कुछ भी सिनेरियो पॉसिबल है आज के दिन जैसे हम देखें, तो उस केस में आपके पास जो अल्टरनेट्स हैं, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का मैंने एग्जांपल दिया है, तो उसको पहले टेस्ट करके देख लो रेसिपी पे कि ये काम भी दे जाएगा या सिर्फ हम वैसे ही अपने हवा में ही एक सोच बना ली कि ये दे जाएगा। तो उस वो काम दे जाएगा और उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होंगी, उसके कौन कौन से सप्लायर हैं, वो सारी अपने पास इंफॉर्मेशन हो। तो सप्लायर लिस्ट के अंदर मिनिमम ये इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि कौन सा इंग्रेडिएंट है, और इंटरनल कोड वही पहले वाला इंटरनल कोड जो आपने स्पेसिफिकेशन में तैयार किया, वही नाम, उसमें एक नई इंफॉर्मेशन क्या आ जाएगी कि सप्लायर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट किस बंदे से बात करोगे, और उसका फोन नंबर। और आज के दिन आपको ईमेल एड्रेस जरूर एक रखना, क्योंकि उनका काम आजकल ईमेल से होता है।
ईमेल से अगर आप कोई अपनी ऑफिशियल मेल से अगर उनको कोई सप्लाई ऑर्डर भेजते हो तो वो उस हिसाब से उसको ऑनर भी करते हैं और आपको वो सामान भेजते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ अलग नाम होता है, ट्रेड नेम होता है किसी इंग्रेडिएंट का, जैसे अजीनोमोटो है। अजीनोमोटो ट्रेड नेम है किस चीज का, कोई बताएगा इसका केमिकल नेम क्या होता है जिसको हम अजीनोमोटो बोलते हैं? पीछे मैगी में भी बवाल मचा था और जितने भी फास्ट फूड है उसमें डालते हैं, बच्चों के लिए अच्छा नहीं बताते। कोई बता सकता आप में से अजीनोमोटो का केमिकल नेम क्या है? AGINOMOTO। इसका एक पर्टिकुलर केमिकल नेम है कि केमिकली आप उस तरीके से इसको जानते हैं। और बहुत बार क्या होता है, जो आपके सप्लायर्स हैं या जो आपके बीच में क्या बोलेंगे उनको, दलाल हैं, उनको केमिकल नेम नहीं पता होते। बहुत बार वो बेसिकली उनके जो क्या नाम चलता है इसको, लोकल नेम जो चलते हैं ना, उस लोकल नेम के हिसाब से इसको बोलते हैं। अजीनोमोटो का जो केमिकल नेम क्या है भाई, मेरे भी दिमाग से निकल गया, बताओ तुम। जितने भी फास्ट फूड की दुकानें देखोगे ना, वहां साल्ट जैसी एक चीज मिलेगी जो ये बनाते हैं, नूडल्स वगैरह बनाते हैं, तो वो सफेद से रंग के क्रिस्टलाइज्ड साल्ट जैसी एक चीज मिलती है, उसका जो केमिकल नेम है वो MSG, मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG। लेकिन लोकली उसको जानते हैं अजीनोमोटो के नाम से। तो जो इस तरह की ट्रेड नेम है वो भी आपको देने हैं, और हर एक सप्लायर को एक अलग से कोड नंबर दोगे। तो यहाँ पे पहले वाले इंटरनल कोड नंबर जो आपका इंग्रेडिएंट का था वो इस्तेमाल किया आपने, और जो नया एक आपने सप्लायर कोड नंबर दे दिया, हर एक सप्लायर का यूनिक होगा। तो थर्ड जो इसमें अपना 14 जो की पॉइंट्स थे, 10 मिनट रह गए भाई, जितना हो जाएगा कवर ठीक है, आधे पौने घंटे की क्लास एक दिन के लिए बहुत है। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, जहां जहां पे जो जो चीज आपकी मिस हुई है। एक मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूं भाई। मनोज भाई ठीक है? हाँ कमल है, बढ़िया दादी बढ़िया। कैसे हैं सर? बढ़िया। तो बता, और तैयारी कैसे चलती तेरे पेपरों की? पेपरों भी ठीक ही चल रही है यार, हो रही थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत। अच्छा, फिर इस बार दोबारा टॉप मारना है जाते वक्त है? इस बार दोबारा से टॉप मारना है जाते वक्त? नहीं नहीं कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और बता। अरे बस पेपर कब होंगे कुछ पता चला, या फिर जून में ही होंगे शायद? ब्रदर यार अब लॉकडाउन के बाद ही पता लगेगा, 3 मई के बाद। वैसे तो खैर ये ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन यात्रा तो बंद ही कर रखी है, कॉलेज वगैरह तो बंद ही कर रखे, पता नहीं। देखो खुल जाए तो बढ़िया है यार। और पेपर कैंसिल भी हो सकते हैं? नहीं नहीं हो जाए तो ही बढ़िया है, कैंसिल तो नहीं होने चाहिए। वैसे टाइम से हो जाए तो ही बढ़िया है भाई। अगर कैंसिल हो जाए ये ना अपने अपने कॉलेज में ना, मतलब ये है कि मतलब यूपी बिहार के बंदे बहुत हैं ना अपने, हाँ। और लोगों को आने में दो दो तीन तीन दिन लग जाते हैं वहां से। तो भाई
थर्ड जो अपना इसमें टूल है वो है प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन या रेसिपी। हर एक कंपनी के कुछ प्रोप्राइटरी फॉर्मूले होते हैं अपने कोई भी प्रोडक्ट बनाने के। प्रोप्राइटरी फॉर्मूले का मतलब ये है कि वो कौन सी चीज कितनी मिलाते हैं। आपने जितने भी वीडियो देखी होंगी, कोई भी आगे प्रोडक्ट बनाता है तो वो बीच में कुछ स्पाइस ब्लेंड को या कोई मिक्स को वो कहते हैं कि ये हमारा प्रोप्राइटरी है, ये नहीं बताएंगे हम, बाकी सारी चीजें बता देते हैं। वीडियो में देखा होगा आपने जैसे जितने भी फूड प्रोडक्ट बनते हैं इंडस्ट्रीज, तो उस पर्टिकुलर ब्लेंड के कारण या उस पर्टिकुलर प्रोसेसिंग पार्ट के कारण उनका वो जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ खास क्वालिटी आती है जिसको वो कंपनी हमेशा छुपा के रखना चाहती है ताकि उसके कंपटीटर्स को और लोगों को वो चीज ना पता लगे और उनको अपना प्रोडक्ट एक तरह से मार्केट में सेल करने में एक निश रहे, उनकी एक अलग से पहचान रहे। तो ये जो फॉर्मूले हैं, बिस्किट तो सारी कंपनियां बनाती हैं लेकिन कुछ प्रोप्राइटरी फॉर्मूले होते हैं इनके कि क्या क्या चीजें मिलाएंगे, किस अनुपात में मिलाएंगे। और ये जो फॉर्मूले हैं वो रिटन होते हैं, डॉक्यूमेंटेड होते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि भाई इस फॉर्मूले के बेस पे इंडस्ट्री चल रही है, पीछे से एक दो सीनियर्स तुम्हारे ऐसे थे जो किसी कंपनी में गए ट्रेनिंग पे और वहां से उन्होंने फॉर्मूला ले लिया और किसी दूसरी कंपनी वालों को कह दिया कि उनका फॉर्मूला तुम्हें दे देंगे, जैसे पार्ले वगैरह का फॉर्मूला कि उनका पार्ले। लेकिन कंपनी वाले आपस में ऑनर करते हैं एक दूसरे की सीक्रेसी को, तो उन्होंने पार्ले वालों को बताया कि तुम्हारे तरफ से एक ऐसा ऐसा बंदा आया था, वो इंटरव्यू में हमें ये बात कह रहा था, थोड़ा चेक करो तुम अपने सीक्रेट्स को संभाल के रखो। तो उसका नुकसान क्या होता है कि जैसे इंस्टीट्यूट से वो बंदा गया, उस इंस्टीट्यूट को बैन कर देते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो इसके नुकसान बहुत होते हैं, फायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि एक फॉर्मूले के बेस पे पूरी कोई इंडस्ट्री नहीं लगती। लेकिन फिर भी हर एक बंदे को ये अपना फॉर्मूला नहीं बताते, तो वो प्रोप्राइटरी फॉर्मूला होते हैं। और ये एक ही फॉर्मूला के बेस पे सारे हमेशा प्रोडक्ट क्यों बनता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मार्केट में उस फ्लेवर के कारण, टेस्ट के कारण, टेक्सचर के कारण, उन सभी क्वालिटीज की एक मिक्स क्वालिटी बनके उभरती है, टोटल क्वालिटी बनके उभरती है। उसके कारण जो उसके कंज्यूमर हैं उसको प्रोडक्ट को बार बार लेना पसंद करते हैं, तो बार बार उसी चीज को लेंगे ना जिसका एक जैसा टेस्ट हमें बार बार या एक जैसा फील हमें बार बार मिलेगी उस प्रोडक्ट को यूज करने से। तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट बनते हैं वो एक ही फॉर्मूले के हिसाब से बनते हैं और वो उनके प्रोप्राइटरी फॉर्मूला होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले को पता होता है कि क्या फॉर्मूला है, कितनी कितनी कौन कौन सी चीज मिलानी है। और बहुत बार ऐसा करते हैं कि बाकी सारी चीजें तो उनको पता होती हैं कि भाई 100% अगर है तो इसमें 2% ये है, 1% ये है, 20% ये है, 15% ये है, लेकिन बीच में है ना कुछ एक छोटा हिस्सा होता है फ्लेवर्स का या कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स का, उनका मिक्स जो लैब वाले बंदे हैं या कोई की पर्सन है उस कंपनी का वो बना के देता है और वो मिक्स एज इट इज डलता है, वो प्रोडक्शन वाले को भी नहीं पता उसमें क्या क्या चीजें मिली हुई। तो ऐसे कुछ एक तरीके हैं जिनसे वो अपने सीक्रेट बना के रखते हैं। और कोई भी फॉर्मूला जो शीट है आपकी उसके अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, लेकिन मेन फॉर्मेट यही होता है कि प्रोडक्ट का नाम क्या है जो इस रेसिपी से बनेगा। उस प्रोडक्ट का भी एक इंटरनल नंबर होता है, जैसे इंग्रेडिएंट्स का था, इंग्रेडिएंट्स के जो हमने स्पेसिफिकेशन में तैयार किए थे सप्लायर्स के थे, तो यहाँ प्रोडक्ट का अपना एक इंटरनल कोड नंबर है, कब से लागू हुआ वो डेट, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और उन इंग्रेडिएंट्स को उनके कोड के साथ बताया जाता है। और दो तरह के फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे इसमें, एक तो परसेंटेज फॉर्मूला कि अगर टोटल आउटपुट आपकी 100 है या टोटल इनपुट आपकी 100 है तो उसमें कौन सी चीज कितनी डलेगी, तो इनपुट बेसिस पे कौन सी चीज कितनी डलेगी। और बैच मान लो मैंने बताया था कि 100 अगर बेस किलो है तो आपको परसेंटेज बेसिस पे होगा फॉर्मूला। बैच मान लो आपका 850, 900 किलो है तो वो बैच में कितनी चीज कौन सी चीज कितना डलेगी आएगा। और हर एक जब बैच बनता है
उसमें एक बैच यील्ड निकलती है। बैच यील्ड का मतलब कि आपने इतने इतने इंग्रेडिएंट्स मिलाए तो आपको प्रोडक्ट लास्ट में कितना मिला। इसमें हमेशा ये चीज ध्यान रखना। हाँ सुनील, नमस्कार भाई। हाँ हाँ यहीं पे बता भाई। अच्छा कोई बात नहीं, मैं देने आ जाता हूँ। ठीक है ठीक है, ओके कोई बात नहीं, ओके ओके। तो बैच यील्ड होती है कि हमने जो भी चीजें मिलाई हैं उसके बाद लास्ट में प्रोडक्ट कितना बन के आया है किलो के हिसाब से। इसके बाद इंग्रेडिएंट स्टेटमेंट। एक प्रोसेसिंग के जितने भी एक्सपेरिमेंट करो ना, तो उसमें चाहे आपके मिल्क के हैं, चाहे फ्रूट एंड वेजिटेबल के हैं, या आपके बेकरी कन्फेक्शनरी के हैं, अपनी तरफ से बैच यील्ड जरूर निकाला करो कि आपने कितना कितना कौन कहा, क्योंकि उसमें तोल के डालते हैं सारा सामान और लास्ट में जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो भी तुल के बनता है। तो ये जरूर उसमें एक ध्यान रखना कि बैच यील्ड निकालना और लास्ट में जो जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं उनकी स्टेटमेंट कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितना मिलाया है। इसके अलावा भी अगर कोई पैकेजिंग से रिलेटेड है, लॉट साइज से रिलेटेड, या कोई रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन है, रेगुलेटरी में आ जाते हैं। मान लो आपने एडिटिव है, एडिटिव मान लो कोई आपने मिलाया वो 500 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो भी आप इसके अंदर डालोगे। तो एक मिनट से कम टाइम रह गया भाई हमारा। फॉर्मेट जो है अपना वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो अपना फॉर्मूला है या फॉर्मेट है, फॉर्मूला तो हमारा फिक्स रहेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन कम या ज्यादा इसमें आपको देनी पड़ सकती है, जैसी भी, जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने टेबल 7 के अंदर कि एक प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है, चिली विदाउट बीन्स, ये हमारा प्रोडक्ट है, B001, डेट, कौन कौन से इंग्रेडिएंट डालेंगे इसमें, हर इंग्रेडिएंट का कोड है, फिर परसेंटेज फॉर्मूला है और फिर बैच फॉर्मूला है। तो इसमें आप देखोगे परसेंटेज हिसाब से 100% है नीचे लास्ट में, और एक बैच जो है वो 23 पाउंड और 10 औंस का है।